हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, चार चार अपने घर के कबूतरों के बच्चे दिखाऊंगा, जो दोस्तों अभी कल या परसों के अंदर ही निकले हैं। वैसे दोस्तों और भी ज़्यादा होते, टोटल मैं आपको छः बच्चे दिखा था हमारे कबूतरों के, लेकिन भाई हुआ क्या, दो कबूतर के बच्चे परसों मर गए। अब वो कैसे मरे मैं आपको बताऊंगा, और वो किसके थे वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, और जो कुछ भी चल रहा है लॉफ्ट के अंदर वो सब कुछ अपन आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों देख सकते हो भाई, हल्की हल्की सी भाई बारिश की बूंदें आ रही हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी, और उसी के साथ कल रात को भी भाई काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, अभी सुबह भी भाई काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा पानी रुका हुआ है, तो सबसे पहले अपन अपने सभी कबूतरों को खोल देते हैं। ये देख सकते हो भाई आप लोग, आ जाओ, आओ आओ आओ। तो ये देखो भाई, अभी हमारे आ चुके हैं सभी कबूतर बाहर, और उसी के साथ लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने करवाया था अपने कुछ कबूतरों के बच्चों का शौक, जो बड़े हो चुके थे, तो ये भी भाई अब नीचे आने लगे हैं माशाल्लाह से। ये देखो भाई, ये मुखी भी नीचे है, वो एलमंड मुखी भी अपनी पेटी से बाहर है। तो दोस्तों फाइनली ये भी भाई अब खुद से बाहर आने लगे हैं। सबसे पहले मैं इनका वाटर ड्रिंक का निकाल के रखता हूँ बाहर, और अभी आप लोग देख सकते हो अभी हमारे कबूतर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और इन सभी बच्चों को भी अपन बाहर निकाल देते हैं, ये देख सकते हो। और भाई ये देखो, अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही करा और एकदम से हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो आप लोग, हल्की हल्की सी आपको दिख रही होगी। तो अपन जल्दी से इनको दाना पानी करेंगे बिना किसी देरी के, ताकि अपन इनको वापस से अंदर कर सकें, और उसके बाद लॉफ्ट की अपडेट तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ इन सभी को मैं बाहर निकाल दूँ। इनको तो मैं बाहर ही निकाल ही देता हूँ, चले आओ, तुम भी चले आओ। ये थोड़ा सा छोटा है इसलिए हल्का सा इसको दिक्कत हो रही, बाकी ये वाला जो बच्चा है दोस्तों माशाल्लाह से भाई ये फुल कंफर्टेबल हो चुका है, और ख़ुद से बाहर भी आने लगा है और घूमने फिरने भी लगा है, देख सकते हो आप लोग। और ये वाला येल्लो बच्चा भी दोस्तों कल शाम को बाहर आया था, लेकिन अभी वो खुद बाहर नहीं आया, तो अपन उसको नहीं निकाल रहा है। एक रीज़न ये भी है भाई शिराजी, इसको भी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि गीले भाई उसके फेदर ख़राब हों। और भाई अभी हम दाना ला ही रहे थे, इतने में भाई बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, अब आप देख सकते हो, तो हमें जल्दी से भाई इनको अंदर करना पड़ेगा। चलो भाई इनको जल्दी से बंद करो, ये देखो दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम इनको कर रहे हैं जल्दी से लॉफ्ट के अंदर बंद वापस, आपको भाई रीज़न पता चल ही गया है, नहीं तो हमारे सभी कबूतर भीग जाएंगे और काफ़ी दिक्कत होगी। हाँ भाई अंदर ही रख दो दाना पानी भी। तो अभी दोस्तों अपन क्या करते हैं, इनका दाना पानी वापस से अंदर रख देते हैं, ताकि भाई अंदर आराम से खा पी लें, और वैसे भी ज़्यादातर जब बारिश होती है तो ये अपना दाना पानी अंदर ही खाते हैं। और ये वाले बच्चे भी दोस्तों देख सकते हो माशाल्लाह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये भी कोशिश करने लगा है, छोटा बच्चा ब्लैक भी कर रहा है। तो अब जितना होता है वो खुद खा लेते हैं, बाकी इनके पेरेंट इन्हें खिला देते हैं। और बारिश हो चुकी है काफ़ी तेज़, आप लोग खुद क्लियर देख सकते हो, ये देखो भाई कितनी तेज़ हो चुकी है बारिश। तो जल्दी से अपन इनको करते हैं अंदर, चलो ये देखो भाई माशाल्लाह से, इसको डालना पड़ेगा हाथ से, ये गया, इसको भी हाथ से डाल देता हूँ, नहीं तो क्योंकि गीला हो रहा है, इसको भी डाल देता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने कर दिया है अपने सभी कबूतरों को वापस से लॉफ्ट के अंदर बंद, ये देखो। और अभी भाई ये खा रहे हैं सभी मिलके माशाल्लाह से दाना, तो इनको अपन दाना खाने देते हैं, थोड़ी देर ये दाना खा लेंगे, उसके बाद फिर अपनी अपनी पेटियों में जाकर बैठ जाएंगे। और फिर से भाई मुझे लगता है अपन को लॉफ्ट की सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश जब भी होती है अपने आप लॉफ्ट बुरा लगने लगता है, क्योंकि जो बीट होती है सूखी वो पूरी गीली हो जाती है, तो आप लोग देख सकते हो। और बाकी आप बोलोगे भाई इनका बच्चा कहाँ है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों का बच्चा, जो भाई थोड़ा बीमार हो चुका था तो हमने उसको कर दिया था शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ सेटअप में, और सेटअप में भी हाल ऐसा है कि भाई सब कुछ गीला पड़ा है, ये देखो। मैं सो भाई से बोल भी रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द अपन क्या करें, इस पैर को भी शिफ्ट कर दें अपने लॉफ्ट में, क्योंकि इसको भी भाई यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती होगी। और जो बच्चा है भाई वो ये रहा, वो आप लोग देख सकते हो, इधर सूखी जगह है इसलिए हमें यहाँ रखना पड़ा, बाकी पूरा सेटअप गीला रहता है। तो हुआ क्या भाई, ये हैं बीमार तो इसीलिए मैंने इनको अलग कर दिया है, बाकी दाना भी ये खा रहे हैं अंदर और पानी भी पी रहा है। मैंने बीच में इनको साथ छोड़ा था, तब इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो हमने कहा भाई इसको अलग ही रख देते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इसका मैं कर देता हूँ। तो अभी तो ये भाई ये पहले से काफ़ी बेहतर है,
जल अब धूप वूप आएगी तो हम इसको बाहर रख देंगे। वैसे धूप आती है तो मैं इसको पिंजरे के साथ ही बाहर रख देता हूँ। बाकी देखेंगे भाई इंशाल्लाह, उम्मीद है ये बच जाए। अभी तक तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पहले इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और ये वाला पैर भी भाई फिर से अंडे देने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको अब जल्दी से वहाँ शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर भाई कोई मतलब नहीं है अंडे बच्चे लेने का। और लास्ट टाइम भी अपन ने इनके अंडे हटा दिए थे, तो इस बार देखेंगे भाई क्या होता है, तो देख सकते हो आप लोग। तो अभी अपन चलते हैं वापस अपने लॉफ्ट में। तो दोस्तों लगभग 1.5 घंटे से बारिश हो रही है, और अभी भी भाई बारिश हो ही रही है, थोड़ी स्लो हुई है। और मुझे लगता है भाई कबूतरों ने दाना पानी अच्छे से कर लिया होगा। देख सकते हो आप लोग पूरी ट्रे माशाल्लाह से खाली हो चुकी है, प्लेट भी खाली हो चुकी है, और पानी तो खाली होगा नहीं। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों अपने लॉफ्ट के अंदर, और हमारे सभी कबूतर खा पी कर बढ़िया अपने डंडे पर बैठे हुए हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, एक नहीं दो नहीं चार अपने कबूतरों के भाई बच्चे जो अभी अभी निकले हैं। तो पेटियां थोड़ी सी गंदी हो रही हैं, तो भाई इनको इग्नोर करना, क्योंकि भाई बारिश का टाइम है और नई पेटियां मिल नहीं रही। इन पेटियों को हम सही करने की कोशिश करते हैं तो भाई पेटियां टूट जाती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसका बच्चा सबसे पहले निकला है। तो दोस्तों निकला है भाई हमारे येल्लो शिराजी, और इससे जो फीमेल लगी हुई है कहाँ गई ये वाली, ये जो दोस्तों मेहंदी कलर टाइप में ये जो फीमेल है, लास्ट टाइम इसने इस येल्लो मेल से 2 येल्लो बच्चे निकाले थे। इस बार भी भाई हमें उम्मीद थी 2 बच्चे निकलेंगे, लेकिन एक बच्चा तो इनका निकल गया था, लेकिन भाई जो इसी के साथ का दूसरा बच्चा था भाई वो मर गया। अब आप वो कैसे मारा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो अंडे के अंदर ठस के मारा, जब हमने अंडे को खोला और उसको छीला प्रॉपर, जैसे हमने ब्लू बार के बच्चे निकाले थे उसकी भी अपडेट देता हूँ, काफ़ी भाई कमेंट करते हैं अपडेट दो। तो छीला तो दोस्तों हुआ क्या कि भाई वो जो बच्चा था वो अंडे के अंदर प्रॉपर बन चुका था, बस निकल नहीं पाया, और ये वाला बच्चा निकल गया तो ये बच गया। उसको हमने भाई थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 2-3 दिन हम बाहर थे, तो उस वजह से भाई वो बच्चा अंडे में फंस कर ही मर गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 3 से 4 दिन का ये बच्चा हो चुका है, आँखें खुल चुकी हैं, साइज़ अच्छा है, अब सिंगल है, तो भाई ये बहुत अच्छे से पालेंगे ही, क्योंकि आराम से 2 बच्चे पाल लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ब्लू बार के बच्चे भी दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों, अब ये ब्लू बार आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लग तो नहीं रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों बच्चे दोस्तों भाई ने अपने हाथों से निकाले थे अंडे में, नहीं तो भाई ये भी फंस के मर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब दोनों ये ठीक हैं। तो ये थी दोस्तों वो एक बच्चा जो मुझे आपको बताना था, और इसी के साथ का एक बच्चा मर भी गया। ठीक है, अब दूसरे फैंसी तरफ की तरह आते हैं, इनका बच्चा मर गया था मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो उसके इसी साथ दोस्तों फाइनली हमारा ये वाला जो फैंसी पेयर है, इसके नीचे का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक बच्चा जो है वो निकलने वाला है, लेकिन दोस्तों वही बच्चा मर गया, वो भी दोस्तों सेम उसी तरह से मरा भाई, जिस तरह से मरा सुबह मैंने आपको वीडियो में कवर किया था। शाम को भाई ने अंडे को भाई पूरा अंडे के शेल को वो जैसे ही दोस्तों अंडे के शेल को छीला, प्रॉपर एक बच्चा उसके अंदर से निकला, लेकिन भाई वो मरा हुआ था, वो भी अंडे में ही फंसा रह गया और अंडे से नहीं निकल पाया। तो इसीलिए दोस्तों इसका भी भाई एक बच्चा मर चुका है, तो काफ़ी भाई बुरा लग रहा है, क्योंकि ये आराम से 2-2 बच्चे पालने वाले कबूतर हैं और पालते भी हैं, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हाथ से नहीं निकाला तो वो भी भाई फंस के मर गया। लेकिन दोस्तों जो इसका दूसरा अंडा था उसको भाई ने प्रॉपर अपने हाथ से छीला, वो तो भाई क्रैक भी नहीं था, उसको अपने हाथ से निकाला, चांसेस बहुत कम थे भाई उसके बचने के, लेकिन अभी अपन देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों माशाल्लाह से इसका प्रॉपर बच्चा है, और भाई ये ज़िंदा है, लगभग भाई ये 2 दिन का हो चुका है, और अब भाई ये इंशाल्लाह बच जाएगा, क्योंकि भाई शुरू में इसके चांसेस कम थे, क्योंकि भाई ने पूरा अंडे को छील दिया था, और हमें लग रहा था कि शायद ही ये लोग इसको बैठें या पालें, क्योंकि इनका बच्चा भी सेम उसी तरह से दोस्तों मर गया था। जो इस बार दोस्तों काफ़ी बच्चों का नुकसान हुआ है, 2 ये 1 इनका 3, टोटल 3 बच्चे, नहीं तो अगली बार जो अपन की होम ब्रीड होती है उसमें जो बच्चे निकलते उसमें 3 बच्चे ज़्यादा निकलते, लेकिन 3 बच्चे अंडों में ही फंसे रह गए और वैसे ही कम हो गए। तो अभी दोस्तों मैंने आपको 2 बच्चे दिखा दिए हैं, जिसमें से एक फैंसी का है और एक अपने शिराजी का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे, एक गुड न्यूज़ हुई है, पहले अपन वो देख लेते हैं, हमारे इस वाले पैर ने अंडे दे देना चाहिए थे, दिए नहीं दिए, हाँ माशाल्लाह से। तो दोस्तों हमारा जो भाई मुखी पैर है फाइनली इसने अंडा दे दिया है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसका अंडा हटाया था और लक्का का भी हटाया था, ये वाली लक्का का, तो लक्का देने वाली है दोस्तों, और इसने टाइम पर दे दिया है, बस इसका अंडा फर्टाइल हो तो ही अपने काम आएगा, नहीं तो अपन फिर से हटा देंगे, किसी और का फलवा लेंगे। वैसे फर्टाइल तो होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट टाइम में इसने ब्रीड कर दी थी। तो अब दोस्तों मैं 2 और बच्चे आपको दिखाता हूँ जो निकले हैं भाई हमारे,
एलमंड मुखी के, और माशाल्लाह से भाई इसके अंडों को हमने बिल्कुल भी छेड़ नहीं की, कुछ भी नहीं करना पड़ा। कल हमने देखा एक अंडे का शेल पड़ा है बाहर, हमें लगा एक बच्चा निकला है, लेकिन जब हमने चेक करा तो फाइनली दोस्तों माशाल्लाह से इसके दोनों बच्चे निकल गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं हटाऊँगा बच्चों पर, क्योंकि ये बैठा हुआ है, इसको डिस्टर्ब होगा। ये देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हमारे एलमंड के इस बार निकले हैं दो बच्चे। लास्ट टाइम एक बच्चा निकला था जो कि भाई ब्लैक मुखी था, फाइनली इस बार दो बच्चे निकले हैं, और भाई ये अच्छे से इन पे बैठा हुआ है, तो इसको अपन बैठे रहने देते हैं, इसको अपन बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते। तो ये चार दोस्तों बच्चे निकले हैं इस बार अपने लॉफ्ट के अंदर, देख सकते हो दो इसके हैं, एक फैंसी का है और एक अपने शिराजी का है, तो ये गुड न्यूज़ हुई है चार। और उसी के साथ इसने अंडा दे दिया है हमारी येलो मुखी ने, तो पांच दोस्तों गुड न्यूज़ हुई है और दो भाई बैड न्यूज़ हुई है। बैड न्यूज़ मैंने आपको बता दी, एक इनका अंडे में फंस के बच्चा मर गया और एक उनका बच्चा अंडे में फंस के मर गया। तो भाई ये दो चीज़ें, और मतलब अगर नहीं मरता तो और ज़्यादा अच्छा रहता और भी मज़ा आता अगली ब्रीडिंग में, जो एक महीने बाद ये बच्चे बड़े होते। लेकिन भाई अपन क्या कर सकते हैं, वो तो यार अब होने वाली चीज़ है, तो अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी हमारे सभी कबूतर खा पी कर बैठे हैं बढ़िया तरीके से, और सब कुछ भाई अभी तो बढ़िया चल रहा है। और अभी आपने देखा दोस्तों आज की वीडियो भाई कितनी ज़्यादा टाइम लेकर मुझे बनाना पड़ी, एक डेढ़ घंटा लगा भाई, बारिश होती रही, अभी भी धीरे धीरे हो ही रही है, लेकिन अपन ने अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो बना ली और मुझे जो आपको चीज़ें बताना थी वो मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।